हेलो दोस्तों, मैं हूं विमल। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज हीट इन थर्मोडायनेमिक कंपैरिजन ऑफ हीट एंड वर्क। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हीट के बारे में देखेंगे और हीट का थोड़ा बहुत फंडामेंटल देखेंगे, और बाद में हम देखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर द हीट, और लास्ट में हम देखेंगे कंपेरिजन ऑफ हीट एंड वर्क। तो इसके लिए हीट के बारे में तो हम ये वीडियो में देखेंगे, लेकिन वर्क के लिए आपको जो हमारा अगला जो वीडियो था व्हाट इज वर्क, वो वीडियो आप देख लेंगे तो ये वीडियो आप इजीली समझ सकेंगे। हेलो दोस्तों, मैं विमल, टेक्नोएरिया वी चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर इस चैनल के वीडियो से आप कुछ सीख रहे हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हीट को समझने के लिए हम ये फिगर कंसिडर करते हैं जिसमें ये हमारा सिस्टम है और ये सिस्टम की बाउंड्री है, और बाउंड्री के बाहर जो भी है वो सराउंडिंग है। तो जब भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से सिस्टम में से सराउंडिंग में या फिर सराउंडिंग में से सिस्टम में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से जो एनर्जी का इंटरेक्शन होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, उस एनर्जी के फॉर्म को हीट कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम हीट की डेफिनेशन देखें तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज द ट्रांसफर क्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। ठीक है, तो जब भी टेम्परेचर डिफरेंस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होता है, तब जो एनर्जी का जो इंटरेक्शन होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, उसको हीट कहा जाता है। ठीक है, तो हीट जो होती है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं सन और अर्थ का एग्जांपल। सन का जो टेम्परेचर है वो अर्थ के टेम्परेचर के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा है, तो उसी की वजह से हमेशा जो हीट जो होती है वो सन से अर्थ की तरफ फ्लो होती है। ठीक है, तो जब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है या फिर सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस जीरो हो जाता है, तब हीट का इंटरेक्शन बंद हो जाता है। तो हीट को थोड़ा और समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम एक पोटैटो का एग्जांपल लेते हैं। कोई एक पोटैटो को हम जब एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो वो पोटैटो का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर दोनों का टेम्परेचर सेम होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में पोटैटो में से एटमॉस्फेयर में या फिर एटमॉस्फेयर में से पोटैटो में कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब कि कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो अगर हम वो पोटैटो को बॉईल करते हैं तो पोटैटो का टेम्परेचर ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है, तो पोटैटो में से एनर्जी पोटैटो के स्किन को क्रॉस करके एटमॉस्फेयर में जाएगी, मतलब कि पोटैटो में से एटमॉस्फेयर में हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है तो तभी हीट ट्रांसफर पॉसिबल है, और एनर्जी के इंटरेक्शन से पहले या फिर एनर्जी के इंटरेक्शन के बाद कभी भी हीट डेवलप नहीं होती है। ठीक है, और ये जो हीट जो है ये हीट कभी भी सिस्टम में स्टोर होके नहीं रहती है या फिर एटमॉस्फेयर में स्टोर होके नहीं रहती है, वो जब एनर्जी का इंटरेक्शन होगा तभी हीट ट्रांसफर पॉसिबल है। ठीक है, हीट को हम क्यू से डिनोट्स करते हैं, और ये हीट जो है वो हीट एनर्जी का एक फॉर्म है, और एनर्जी का यूनिट है जूल, तो ये हीट का यूनिट भी बन जाएगा जूल या फिर किलो जूल। तो आगे हम देखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर हीट। तो जब भी सराउंडिंग में से सिस्टम में हीट ट्रांसफर होता है तो उस हीट ट्रांसफर को या फिर उस हीट को पॉजिटिव साइन से नोटिफाई किया जाता है, और जब भी सिस्टम में से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर होता है तो उस हीट ट्रांसफर को या फिर उस हीट को नेगेटिव साइन से नोटिफाई किया जाता है। मतलब कि जब भी पॉजिटिव हीट ट्रांसफर होता है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर सिस्टम के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, और जब भी नेगेटिव हीट ट्रांसफर होता है तो सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, लास्ट में हम देखेंगे सिमिलैरिटीज ऑफ हीट एंड वर्क एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ हीट एंड वर्क। तो पहले देखते हैं सिमिलैरिटीज ऑफ हीट एंड वर्क। तो इसमें बोथ आर द पाथ फंक्शन, मतलब कि हीट एंड वर्क बोथ आर द पाथ फंक्शन। तो ये हीट एंड वर्क पाथ फंक्शन होने की वजह से हीट एंड वर्क को सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं कहा जाता है, क्योंकि जो पॉइंट फंक्शन होते हैं वही सिर्फ सिस्टम की प्रॉपर्टीज होते हैं।
दूसरा दे रिप्रेजेंट, मतलब कि हीट एंड वर्क रिप्रेजेंट एनर्जी क्रॉसिंग द सिस्टम बाउंड्री, मतलब कि जब भी एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करती है सिर्फ तभी हीट और वर्क रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा है बॉथ हीट एंड वर्क बॉथ रिप्रेजेंट ट्रांजिएंट फेनोमेना, ठीक है। मतलब कि जब सिस्टम का स्टेट चेंज होता है, जब सिस्टम का स्टेट चेंज होता है तब एनर्जी का इंटरेक्शन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होता है। तो जब एनर्जी का इंटरेक्शन होता है तो वो एनर्जी के इंटरेक्शन के दौरान ही हीट और वर्क रिप्रेजेंट होते हैं, और एनर्जी के इंटरेक्शन से पहले या उसके बाद हीट और वर्क कभी भी रिप्रेजेंट नहीं होते हैं। दूसरा है हीट एंड वर्क आर एसोसिएटेड विथ प्रोसेस, तो हीट और वर्क कभी भी सिस्टम में स्टोर होके नहीं रहते हैं, तो जब प्रोसेस होती है तभी हीट और वर्क रिप्रेजेंट होते हैं, तो इसकी वजह से हीट एंड वर्क बोथ आर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस। दूसरा है हीट एंड वर्क आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होने की वजह से हीट ट्रांसफर जो है उसे Q12 से डिनोट किया जाता है या फिर सिर्फ Q से डिनोट किया जाता है, और इनएग्जैक्ट डिफरेंस के लिए ये डेल्टा यूज होता है, और अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो इसके लिए डी यूज होता है, लेकिन ये हीट और वर्क इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो उसकी वजह से हम यहाँ पे डेल्टा यूज कर सकते हैं या फिर उसको Q12 या फिर Q से डिनोट्स कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डिसिमिलैरिटीज ऑफ हीट एंड वर्क। तो जब कोई स्टेबल सिस्टम होता है तो वो स्टेबल सिस्टम में हीट इंटरेक्शन पॉसिबल है, लेकिन वो स्टेबल सिस्टम में वर्क इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरा डिफरेंस कि जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो तभी हीट इंटरेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। और जब सिस्टम में टेम्परेचर के अलावा दूसरी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आने की वजह से वर्क इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं तो हीट इंटरेक्शन होता है, और टेम्परेचर के अलावा सिस्टम की दूसरी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आने की वजह से उसमें वर्क इंटरेक्शन होता है, और हीट जो है वो लो ग्रेड एनर्जी है और वर्क जो है वो हाई ग्रेड एनर्जी है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा हीट क्या होता है और उसके बेसिक फंडामेंटल्स हमने देखे, और लास्ट में हमने देखा सिमिलैरिटीज ऑफ हीट एंड वर्क एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ हीट एंड वर्क। तो दोस्तों उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।